दोस्तों तो आज का व्लॉग मैंने सोचा आप लोगों के साथ शुरू करूं। उम्मीद करता हूं ठीक होंगे आप लोग और खैरियत से होंगे। तो अभी मैंने सोचा मैं जाऊं अंडे और डबल रोटी लेने, तो अभी चलते हैं दुकान पे आप लोगों के पास मिलते हैं। अंडे डबल रोटी में लेके आ चुका हूँ। तो आप लोगों को पता है 1 के मेरे हो चुके हैं, तो उसी खुशी में हम लोग लेकर आए भैंस, उसका हम लोग बांटेंगे हलीम। तो अभी ये रख के आ जाऊँ और फिर आपको भैंस दिखाता हूँ। हाथ हो गया, मैंने अभी वही कपड़े वापसी से पहन लिए हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ जुम्मे की नमाज़ पढ़ने, क्योंकि आज है जुम्मे का दिन। जो भैंस हम लोग लेकर आए दुआ करने के लिए, सन रोको, ये रहा, ये देखो, ये 1 के लिए हम लेकर आए हैं। ज़िबा करेंगे इसका और हलीम बनाएंगे। तो जब इसको ज़िबा करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा। और अभी देखें सारे बच्चे इसको मिलके घुमा रहे हैं। तो घर पे मैं आ चुका हूँ। तो अभी हम लोग कोरमा बना हुआ है घर पे, तो अभी नाश्ता करते हैं हम लोग। और अभी दोपहर के बज रहे हैं 3, टाइम दिखाऊँ, ये देखें 3 बजने में अभी 10 मिनट हैं। तो अभी मैं नाश्ता कर रहा हूँ अपना, तो नाश्ता कर लूँ फिर आप लोगों से मिलता हूँ। 24 hours later यार, आज है हमारे ब्लॉग का day 2 और ये छत पे मैं हूँ अभी अपनी इस वक्त। और ये धूप नहीं है, तपिश लग रही है। तो चलते हैं अपनी गाय के पास, देखते हैं उसको, सॉरी भैंस के पास, देखते हैं उसको क्या उसके हाल चाल है। आज हो सकता है वो हमारी ज़िबा हो जाए, क्योंकि हमने हलीम करना है उसका, आप लोगों को बताया होगा। तो चलते हैं अभी, हमें देखिए एक बॉल इस बच्चे ने, इसका टेप उतारना है हमें। अब हम इसका टेप उतार के इसको देंगे। ये बच्चा देख सकते हैं शैतान का बच्चा लग रहा है थोड़ा थोड़ा। तो यार अभी हम लोग आ गए हैं अपनी भैंस के पास, ये मरीज सो रही है। ये मेहमद और हसन खेल रहे हैं उसके साथ, भैंस के पास आए हम लोग, सो रही है। तो 1 बजे हम इसको ज़िबा कर देंगे, 1 तो बजने वाले। ये मेहमद, तो यार भैंस के पास से हम लोग अभी होके आ चुके हैं। तो अभी हम लोग जो हैं नाश्ता करेंगे, तो बस नाश्ता हमारा आने वाला है, नाश्ता करके फिर आपसे मिलते हैं। हमारा नाश्ता आ चुका है अभी, अभी हम लोग नाश्ता करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। खाना मेरा खा लिया है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं इसके अंदर ऑयल लेने के लिए, और घर का थोड़ा सा सामान है वो भी ले लेते हैं। तो अब हम आपसे सीधा दुकान पर मिलेंगे। ये दही वगैरह मैं लेकर आ गया हूँ, अब ऊपर चलते हैं दही देते हैं और फिर अपने बाकी के काम निपटा। और अभी ये गाय जा रही है हमारी कटने के लिए जा रही है, तो अभी बस साथ साथ चलो इसको, सारे बच्चे इसको घुमा रहे हैं। तो अभी बस ये जब होगी उस वक्त आप लोगों से मिलेंगे, उस वक्त दिखाएंगे आप लोगों को। अभी रस्सियाँ बंध रही हैं गाय की। बड़ी खतरनाक हो रही है भाई, ये तो मार रही है, पीछे हो जाए हम लोग। इसकी पीछे वाली टांगे बांधी जा रही है। चलो भाई, एक तो अब इसको ये दबाओगी तो खून आपको नहीं दिखा सकते, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। देखिए अभी आ चुकी हैं, देखिए हम लेके जाएंगे फिर रात को हलीम चढ़ाएंगे। तो बस ये अभी 5 देगे हैं, ये 2 देगे हमारी जा चुकी हैं, तो थोड़ी देर में आपसे मिलने वाले। तो यार अभी हम लोग आ गए थे बारी बारी अपनी सारी रेगों की दालों को चेक करने के लिए। तो अभी देखिए किस तरीके से इसको गोटा लग रहा है, तो ये देखें सारी रेगों में दालें डल चुकी हैं इसी तरीके से।
आगे की सब में डल चुकी है। तो यार मैं सो गया था घर जाके, तो अभी मैंने देखा है कि सारा देगे बच चुकी हैं, सारा काम हो चुका है रात का, और अब देगे उठ गई और ये भी मट्टी वगैरह जो भी उसके नीचे की राख होती है वो भी उठ रही है। तो मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ, लेकिन मेरी हालत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी जिस वजह से मैं जाके सो गया। तो कोई नहीं, तो यार अभी देखें एक आध एक बज गई थी, तो हमने बोला इसको ही हम शूट करके दिखा दें। तो अब इसकी हम मनाएंगे थैलियाँ। तो ये देख हमने घर के लोगों के लिए रखी हुई थी और थोड़े बहुत रिश्तेदारों के लिए, तो इसकी अभी हम लोग बनाएंगे थैलियाँ। थैलियाँ भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, ये रखी हुई हमारे पास थैलियाँ। तो ये देखें मैंने सारी थैलियाँ खोल ली हैं, और ये जो है बराबर में ये मग्गा रखा हुआ है, इसमें से हम डालेंगे हलीम इनके अंदर, और ये मेरे मामू हैं, ये डालेंगे हलीम मैं। हम लोग थैलियों को बांटने जा रहे हैं, बाइक पे भी हमारे पास थी कुछ थैलियाँ, तो अभी हम लोग ये घर पे लेकर आए। हम लोग लेके आ चुके हैं, तो अभी इसको घर पे रख के आते हैं। तेरी बहन की चूस। तो भाई साहब मैं अभी खोल रहा था सारी शॉपरे एक एक करके, तो अभी ये मग्गा हमारा थोड़ा सा सही नहीं लग रहा था, तो हमने इसको चेंज करवा दिया। तो और मेरे मामू डाल देते शॉपरों के अंदर हलीम, और एक बंदा और था वो बना रहा था थैलियाँ। यार कुछ इस तरीके से हमारा सिस्टम चल रहा था। तो यार मैं खोल रहा था थैलियाँ, मेरे मामू डाल रहे थे उसके अंदर हलीम, और इस बंदे को हमने रबड़ बांधने के लिए रखा हुआ था, तो ये बांधे जा रहा था उसके अंदर रबड़ें, ताकि उससे हलीम गिरे नहीं और हम उसको आसानी से बांट के आ सकें। थैलियाँ ख़त्म हो गई थी, तो अभी थैलियाँ लेने गए हुए हैं, तो काम रुक गया। तो यार फिर अगले दिन हम लोग चले गए थे पार्क, और आउट्रो शूट करना मैं भूल गया था, वीडियो की एंडिंग करना भूल गया था। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में, अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।